हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के लिए। और इस वीडियो में मैंने भारतीय राष्ट्रपति से संबंधित 15 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और आप इस वीडियो में ये भी देख पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और प्लीज़ लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक्स हमको बताते हैं कि आपके लिए वीडियो कितना महत्वपूर्ण है। ओके, तो जरूर करिए लाइक आप, और शुरू करते हैं वीडियो के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लोकसभा के चुने हुए सदस्य। दूसरा ऑप्शन, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य। और तीसरा ऑप्शन, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। और चौथा ऑप्शन, विधान परिषद यानी जो राज्य की विधान परिषद है उसके चुने हुए सदस्य। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो कोड दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? पहला व दूसरा, यानी इनमें से पहला दूसरा सही है, या फिर पहला तीसरा सही है, या फिर पहला दूसरा तीसरा सही है, या फिर आपका 1 3 4, यानी 1 3 4 ये वाला सही है। तो जो भी सही है हमको ये बताना है। और अगर आप अपने आप को अभी ट्राई करना चाहते हैं तो अभी हाल तुरंत आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और बताइए आप कौन सा सही है। ओके, और मैं अब इसका आंसर बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले तीन और बाद में लिखा हुआ है विधान परिषद। ओके, तो सबसे पहले आपको इसी बात पे, जो विधान परिषद लिखा है, इसी बात पे ध्यान देना है कि राज्य के विधान परिषद होते हैं उसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता है चौथा ऑप्शन। अब बचा क्या? 1 2 3। तो देखिए आप, 1 2 3 आपको मिल रहा है सी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि पहला ऑप्शन वह स्वयं प्रत्याशी होता है, दूसरा ऑप्शन उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, या फिर वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो, या फिर वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ओके, अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करिए और आप बताइए कि ABCD में से कौन सा सही होगा। ओके, और मैं डिफाइन करता हूँ इसका आंसर। देखिए, अगर आप यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उस पर अगर गौर करेंगे तो देखेंगे जो डी ऑप्शन है इसमें कहा गया है राज्य विधानमंडल। तो सीधी बात ध्यान रखिए, राज्य विधानमंडल का मतलब होता है, राज्य विधानमंडल का जो उच्च सदन है इसका मतलब होता है विधान परिषद। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है विधान परिषद। और आप जानते हैं कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए आपका आंसर डी सही है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, ये बताना है। ऑप्शन है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं। अभी आपको ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज करके आप बताइए कैसा ही है। ओके, मैं डिफाइन करता हूँ इसका आंसर। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल 71 का जो फर्स्ट है उसमें ऐसा बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जाएगा। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जाएगा, इसका मतलब आंसर आपका सी सही है, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो डिसीजन दिया जाता है उसी को मान्य करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन आर्टिकल 356, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76, आर्टिकल 61। तो ध्यान रखना है इसका आंसर करेक्ट डी है। ओके, 61 में। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है, ये बताना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दिए गए हैं। पहला है आपका लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, और इसके बाद तीसरा ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन द्वारा, और यहाँ पे जो डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो अभी आपको ट्राई करना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप बताएं कि क्या सही है, चेक करिए आपको आता कि नहीं आता, और मैं इसका आंसर अब डिफाइन करता हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो महाभियोग होता है उसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में उसको बताया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 है उसके 1 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा।
ठीक है। और इसमें जो खंड तीन है, क्या है जो खंड तीन है उसके अनुसार क्या है, दूसरा सदन उस आरोप का क्या करता है, अन्वेषण करता है। यानी एक 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 सदन ने क्या कर दिया, आरोप लगा दिया, तो दूसरा जो सदन है उसकी जांच करेगा, ठीक है, अन्वेषण करेगा। ओके, तो इस तरह से क्या है कि हम कह सकते हैं जो अपना ये पांचवा क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या रहेगा, यानी संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो आप इस बात को याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगर आप देखेंगे तो छठवां क्वेश्चन कुछ पांचवें क्वेश्चन जैसा ही है। अगर आप समझ गए हैं तो आप खुद बताइए इसका आंसर क्या सही है। ओके, और मैं बताता हूं इसका आंसर आपका संसद के दोनों सदनों द्वारा ही है, जैसा कि पहले क्वेश्चन में बात की गई थी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सात की। देखिए, सात में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का नहीं। मतलब पूछा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं लेकिन उसका जो महाभियोग है उसका भाग नहीं होता है। तो देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद हैं और राज्यों की विधानसभाएं हैं। तो इसका आंसर सही बताना है। तो आप सोचिए, देखिए लोकसभा पार्टिसिपेट करती है, राज्यसभा करती है, और यहाँ पे जो राज्य की विधान परिषद हैं वो तो पार्टिसिपेट करती ही नहीं है। तो यहाँ से इस ऑप्शन में कहीं से भी कोई बात सच नहीं होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बचे तीन ऑप्शन ए बी डी। तो ध्यान रखिए, राज्य की जो विधानसभा होती हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो पार्टिसिपेट करती हैं लेकिन उसके महाभियोग में हिस्सा नहीं लेती हैं, इसलिए इसका आंसर डी सही है। ओके, तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आठ, इसमें बोला गया है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? यानी अगर पद रिक्त हो जाता है तो कितने समय में उस पद को भरा जा सकता है, ये बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन क्या है, 1 माह है, 9 माह है, 3 माह है, 6 माह है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके आंसर के लिए कि जो आर्टिकल 62 है, जो आर्टिकल 62 है उसमें 2 में ऐसा बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद रिक्ति होती है तो फिर उस पद रिक्ति के 6 महीने के अंतर्गत क्या हो जाना चाहिए, पद को भर दिया जाना चाहिए, यानी चुनाव हो जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका डी है, आप ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें कहा गया कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, ये हमको बताना है। ओके, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा और संसद द्वारा और राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूं, आपको ध्यान रखना है कि जो संविधान का आर्टिकल 108 यानी जो 108 है उसमें से बोला गया है कि किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति होती है तो लोकसभा यानी दोनों लोकसभा और जो दूसरी राज्यसभा है उसकी संयुक्त जो बैठक होती है वो किसके द्वारा, वो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर जैसे दूसरी बात करें, पॉइंट याद रखना है कि जो आर्टिकल 118 है उसका जो 4 है उसमें ऐसा बताया गया है कि दोनों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है, क्या जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो आप इस तरह से इन दोनों पॉइंट को याद रखिए, और पता आपको कि ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, ये बताना है। ओके, तो आपके जो सामने ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ध्यान रखिएगा जो ये क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर ए है, यानी उपराष्ट्रपति। ओके, तो आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। जो आर्टिकल 66 है, आर्टिकल जो 66 है उसमें उपराष्ट्रपति का क्या होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ये बात आप याद रखिएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं।
यहाँ पर आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे अगर ऑप्शन में प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिए गए हैं, तो देखिए इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल भी करता है। और आपको पता होगा कि जो भी पार्टी होती है उसमें से, जो बहुमत दल की पार्टी होती है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, उसमें से कोई भी सामने आता है, पार्टी जिसको सिलेक्ट करती है, तो उसकी नियुक्ति क्या करता है, राष्ट्रपति कर देता है। अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर देता है, इस बात को आप याद रखिए। लेकिन इसकी नियुक्ति नहीं करता क्योंकि इसका निर्वाचन होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। ओके, आपको ऑप्शन दिए गए हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, इनमें से किसको, यानी ये बताना है। तो ध्यान रखना है इसका आंसर आपका करेक्ट है डी, यानी राष्ट्रपति को। तो इस तरह से राष्ट्रपति को अधिकार है किसी भौगोलिक क्षेत्र को वह अनुसूचित घोषित कर सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए 12वें क्वेश्चन में लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ध्यान रखिए कौन सा एक सही नहीं है, ये पूछा है। ऑप्शन दिए गए हैं, वह संसद का एक संघटक भाग है। ओके, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। और सी ऑप्शन है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। और डी ऑप्शन है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो पूछा क्या है कि कौन सा सही नहीं है। ओके, राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा सही नहीं है, हमको ये बात याद रखनी है। देखिए पहला ऑप्शन है कि संसद का एक संघटक भाग है, बिल्कुल सही है, ये होता है। और देखिए, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये बात भी सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ये बात भी सही है। लेकिन ध्यान रखिए कि वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये बात आपके ये सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर आपको बी करना पड़ेगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह संसद का संघटक भाग है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों में संबोधित भी करता है। ओके, लेकिन ध्यान रखना है कि वह क्या कर, वह चर्चा में भाग नहीं लेता है। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर आपका बी वाला करेंगे क्योंकि इसमें सही नहीं है, ये पूछा गया था, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ध्यान रखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, बी ऑप्शन है लोकसभा की अनुशंसा पर, और सी ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, और डी ऑप्शन है राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो ध्यान रखना है इसका सही आंसर है क्या, आप बताएंगे क्या, अगर पता है तो आप खुद सोचिए। ओके, वीडियो पॉज करके, और मैं बताता हूं इसका आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, यानी सी, यानी अगर राष्ट्रपति चाहता है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन भारत का महान्यायवादी, बी ऑप्शन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग होता है जो, और सी ऑप्शन एक राज्य का राज्यपाल। आप खुद ही सोचिए कि इसका आंसर क्या है, और मैं बता दूं तो इसका आंसर डी है, यानी सभी की नियुक्ति करता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में या निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। ओके, क्या पूछा है कि कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, और दूसरा ऑप्शन है वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, और सी ऑप्शन है लोकसभा को भंग करना, और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो मैं आपको बताऊं या कि आप सोचना चाहेंगे, अगर आपको सोचना है इसका आंसर क्या है तो आप वीडियो पॉज करके सोचिएगा। ओके, लेकिन मैं आप बताता हूं इसका आंसर। देखिए ये जो बी ऑप्शन है वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, यही इसका सही आंसर है। कैसे, तो इस बात को देखिए, देखिएगा जो राष्ट्रपति होता है वह वित्तीय बिल को, यानी जो वित्तीय बिल होता है, ओके, जो वित्तीय बिल होता है, वित्तीय बिल को अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 के तहत है, अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता है। मतलब जिस तरह से साधारण बिल को लौटा देता है उस तरह से इस आर्टिकल के तहत वित्तीय बिल को लौटा नहीं सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। सी
सॉरी, इसलिए इसका सही आंसर आपका बी हो गया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू योर अदर फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, मैंने काफ़ी कुछ डिफाइन किया है। एंड रियली रियली थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड जुड़े रहिए इस तरह से और भी वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। ओके।